हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि किस तरह के लोग हैं। मतलब थंबनेल से तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, या वो कौन इंसान है जो आपके अगेंस्ट या आपके बैक पर जो है वो डर्टी गेम्स खेल रहा है या डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, और शायद आपको नहीं समझ में आ रहा या आप उलझन का शिकार हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी कि हु इज़ प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स विथ यू। ठीक है, इसका कतई मकसद नहीं है कि आप अगर रीडिंग से एनर्जी से किसी को अंडरस्टैंड और पिक कर लें तो फिर आप उसके खिलाफ जो है वो कोई नेगेटिव जो है वो प्लॉटिंग स्टार्ट कर दें। सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है, और फिर आप अपने आप को सेव कर सकें, अपनी एनर्जी को सेव करें, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली मूव करें। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, आप वही मैसेज पिक करें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, उसके हिसाब से गाइडेंस को फिल्टर करें और फिर मूव ऑन करें। ठीक है, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल देती हूँ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो सिंगल क्वेश्चन ही हो। और जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए फोकस करें अपने ऊपर, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड लेट्स सी के कौन लोग हैं जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम पहले एनर्जीज चेक करेंगे, फिर मैं देखूंगी आपको गाइडेंस की नीड है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं हु आर द पीपल हु इज़ प्लॉटिंग और प्लेइंग पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू। कौन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कौन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, किस तरह के लोग हैं, कौन है आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कौन है जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है। करेज, ओके, कौन है जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, हिडन मोटिवेशन, वेरी ट्रिकी, अ क्रिएटिव एंडीवर, ऑलराइट। ये बड़ी मीठी छुरी किस्म के लोग हैं जो आपकी सराउंडिंग में हैं। दूसरी बात ये कि ये बड़ा अपने आप को शो करते हैं कि जैसे ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर ये मैदान में आ जाएं तो फिर ये तो लोगों को फाड़ खा जाएं। लेकिन जब इनके ऊपर वाकई कोई मसलहत आती है या कोई सिचुएशन आती है तो इनसे बड़ा भगोड़ा कोई नहीं होता, और प्रिटेंड ये करते हैं कि जैसे आयरन मैन आयरन वुमेन काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। लेकिन जब वाकई कोई करेज की बात आती है ना, जिससे कहते हैं दिलेरी की बात दिखाना, तब तो इनकी हवा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाती है। तो इन्होंने शो ये किया हुआ है कि ये आपके साथ हैं और आपकी शील्ड बने हुए हैं, और आपके ऊपर अगर आँच भी आई तो ये लोगों का सत्यानाश कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपके लिए कुछ करेंगे क्या, ये असल में डरते हैं। इनके अंदर करेज की, ये करेज का वर्ड इतना क्लियर लिखा हुआ है, इनके अंदर करेज की इंतहाई कमी है। और वो क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपनी ही एक मोटिवेशन को जानना और उस मोटिवेशन को चैलेंज करके सामने लाना, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो ये जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं ना, ये मंजरे आम पे लोग नहीं आने वाले। इनके अंदर बहुत स्पार्क होगा, ये बड़ी ग्लिटरी और बहुत ही फुल ऑफ आइडियाज़ होंगे, लेकिन सिर्फ बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये वो वाला हिसाब है कि बातें ऐसी करना, बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनका आपके साथ मुकाबला है, और दोनों पैरेलल चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एज डिफरेंस है तो एक की ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वो उसकी एज है, जिस एज में इंसान सीखता है, ग्रो करता है। अब अगर ये आप अपना मुकाबला आप से कर रहे हैं तो ये उस एज गैप को अक्सर भूल जाते हैं,
और इनका बिल्कुल आपको कन्फ्रंट करने का फेज़ आ जाता है कि मैं आपसे कम नहीं हूँ। शो ये आपको ऐसा ही करवाते हैं कि मैं आपसे कम नहीं हूँ, मैं आपसे वे बेटर हूँ, लेकिन दुनिया इनको नहीं मानती। क्रिएटिव इंडीवर जो आपके अगेंस्ट डर्टी पॉलिटिक्स सेट कर रहा है, वो एक अपनी अलग ही सी दुनिया में जो है ना वो मसरूफ़ है। और पॉइंट ये है कि जो उसको पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, शायद इसको करनी भी ना पड़े, लेकिन ये इससे अगर करवाई भी जा रही है तो इसको इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि ये इसकी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हो सकता है कि इसका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा हो, और जब एक टाइम गुजरेगा तब इसको अंदाज़ा होगा कि यार, जैसे स्टोरी नरेट नहीं करते ऐसे कि यार वो एक होते थे साहब और एक होती थी साहिबा, मुझे उनको वाइप ऑफ करवाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया गया, मतलब अपना उल्लू सीधा करवाना। लेकिन पॉलिटिक्स का पार्ट ये हैं, इनको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। ये जो हिडन मोटिवेशन है आपके अंदर, आपको धक्का लगाना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर जितनी भी खाम ख्याली है, वो सारी खाम ख्याली जो होती है इनकी ठंड पै जाती है जब ये आपको कोई बड़ा मार्का सरजद करते हुए देख लेते हैं। अभी शायद इन्होंने आपको फिर से कुछ पुश किया है, और फिर से पुश करने में एक एप्रिसिएशन के बजाय फुल ऑफ यू नो मैन्युपुलेटिव क्रिटिसिज्म, उसको फीडबैक का नाम देकर क्रिटिसाइज किया है। एक होता है तनकीद और एक होता है तनकीद बराए तनकीद, यू नो। तो उस तरह से इन्होंने आपके साथ गेम किया ताकि एक तीर से दो निशाने लग जाएं, और यही सियासत खेलने वालों का काम होता है। तो जो एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे बच्चों का साथ है, और बच्चों के नाम पे बाज़ दफ़ा सियासत खेली जाती है। आपको बाज़ दफ़ा जब देख लेते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई काम करने वाले हैं तो फौरन बच्चे सामने ले आते हैं, छोटे सिबलिंग्स ले आते होंगे, फैमिली के वो लोग सामने खड़े कर देते होंगे जिनकी जिनको प्रायोरिटी पहले देना है, ताकि और पर्पज़ ये है इस सियासत का कि कहीं आप वो ना कर लें जो आप जिस मकसद के लिए इस दुनिया में हैं, या आपका जो गोल है या जो अचीवमेंट है आपकी या जो आपने अचीव करना है। आप एक स्किल्ड पर्सन हैं, मेरे ख्याल में आपको तमाम वो काम आते हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, म्यूज़िक, लिटरेचर, सीनरीज और हाइकिंग और साइट सीइंग, ये तमाम आपके पैशन हैं, और ये आर्टिस्टिक लोगों के या एस्थेटिक लोगों के ही शौक़ होते हैं। आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम करके आपको यू नो, अब आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें, ये बिल्कुल एक कर्टन में एक ऐसी जगह पे बंद है कि कोई इसको ना देखे, ठीक है, लेकिन अंदर आप देखें इसकी एक दुनिया है, और ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रही है। सही, आपने शायद कुछ स्पेसिफिक लोगों को अपनी मोटिवेशन के मुतालिक बताया हुआ, अब अगर आप ये अचीव ना कर लें, उसकी वजह से ये हर वक्त आपको आसरा और दिलासा देते रहते, नहीं नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, हम तुम्हारे लिए करेंगे, और हम हैं, पहले पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए, और इस तरह कर करके कर करके इन्होंने सियासत खेल कर आपको ठीक ठाक अपने जो है वो अंडर प्रेशर उन्होंने आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो कौन लोग हैं जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैंने आपको टाइप्स और उनकी इंटेंशंस बताई हैं, उनकी एनर्जी बताई है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, निकलता कुछ है। आप देख सकते हैं जंगलों में मेटल का ड्रेस पहन के निकलने की ज़रूरत नहीं होती, जंगल में किसी नाइट को नहीं जाना पड़ता। जंग की बात हो वो अलग है, लेकिन एक स्पार्कलिंग सा गार्डन या फॉरेस्ट, वहाँ पर आप लोहे की ज़रा पहन कर जो वो निकल जाएँ तो, और वो भी आजकल के मॉडर्न दौर में जब वेपन्स का और गन्स का दौर है, तो
आपको ना दुनिया चांद पे पहुंच गई और ये अब भी कह रहे हैं कि नहीं, वो जो घूमने वाला फोन था ना, डायलर, उससे बात करो। तो यानी कि इतना आपको पीछे रखा हुआ है कि अगर इसने दुनिया देख ली तो शायद ये बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं। तो एक तो पॉलिटिक्स का ये सिनेरियो नजर आ रहा है। लेट्स सी हु इज प्लेइंग पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू। कौन आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुश्किल में हैं आप। दी एम्परर, अरे बाप रे बाप, बड़ा ही किसी ने दबा के रखा हुआ भैया आपको। एस ऑफ कप्स, ये लोग आपको, ये जो भी, एक तो ये एक साहब हैं, ये मैं आपको बता दूं, आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ओनर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं विद द एम्परर कार्ड। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो खातून में भी हो सकती है, और ये एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, अदरवाइज ये ग्रैनी या ग्रैंड पा बन चुके हैं। ऑन दी अदर पार्ट, इनका बच्चों, देखिए बच्चों से लेना देना कुछ है, ठीक है। दूसरा, ये शो ये करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं तो ये आपको बावर करवाते हैं दैट आई एम द बॉस, और पब्लिकली ये शो करते हैं आई एम द लीडर। तो आपको हैंडल करने के लिए इनकी हरकतें बॉस वाली हैं, दैट आई एम द बॉस, और बॉस की बॉस, यू नो बॉस जो है वो आई की बात करता है, बट लीडर जो होता है वो वी की बात करता है, वो टीम की बात करता है। तो यहाँ कौन है, और सबसे बड़ी बात कि सबके सामने और आपको भी ये फील कराते हैं दैट ये हम आपके कंसर्न, हमें आपका कंसर्न है, मैं आपके लिए कंसर्न रखता हूँ या रखती हूँ, इसलिए मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ। और उसी में लपेट में ये आपके ऊपर ऐसी ऐसे टॉन्ट्स मारते होंगे कि आप हर वक्त अपनी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है वो सोचते रहें, कभी आपकी सलाहियतों को नहीं सराहेंगे, हमेशा आपकी उस चीज़ को ही टारगेट करेंगे जिसको फील करके आपको लगे कि भाई मैं अपनी पोटेंशियल्स को अंडरमाइन ही करूं। एट ऑफ कप्स, आपने बहुत दफ़ा इनसे ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि मैं बस अब आपके साथ मुझे नहीं रहना, और इन्होंने भी बहुत दफ़ा आपको, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए इस तरह की सियासतें करी हैं। अगेन देखें, एक बच्चा यहाँ पे भी, एक बच्चा वहाँ पे भी, एक बच्चा, यानी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया कि इतनी हद तक पॉलिटिक्स की कि आपने यहाँ तक सोच लिया कि अब जाओ तुम भाड़ में, और आप शायद किसी हद तक एक उस फेज से निकल आए कि अब आप ये नहीं बिलीव करते कि ये अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान की निशानी होती है, जो मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत एक होती है मोहब्बत जो वालदैन करते हैं और वो अपने बच्चे की बुराई सुन ही नहीं सकते, वो होती है मोहब्बत कि उनके लिए अंधा लंगड़ा लूला काणा जैसा भी उनका बच्चा, उनकी औलाद हो, उनको उससे अनकंडीशनल मोहब्बत होती है, बेलॉस मोहब्बत होती है। और यहाँ सियासत में साफ नज़र आ रहा है कि फपड़ दलाले शो ये करना कि जैसे हमें तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन उसी मोहब्बत की लपेट में इतनी चुभती हुई बातें करना कि आपका दिल चाहता होगा कि अब मैं शक्ल भी ना देखूं। एंड विद द एट ऑफ कप्स, आपने बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ऐसा फ़ैसला किया कि, और शायद मुझे लग रहा है कि आप इन इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, और आपको इनका गेम किसी हद तक समझ में आ गया है। हो सकता है ये आपसे डिस्टेंट फिजिकली हो गए हों, लेकिन आप लोग का कोलैबोरेशन और कांटेक्ट अब भी होता है, और आप इनसे कांटेक्ट रखने में मजबूर सिर्फ इस मासूम जान की वजह से हैं। अब ये आपके एक्स हैं, आपके एक्स हस्बैंड हैं, एक्स वाइफ हैं, या जो भी हैं, बट बच्चे का कुछ लेन देन यहाँ पर ज़रूर है, कोई एक रीज़न कनेक्शन की है, और आपको लगता है कि यार सिर्फ इस वजह से ना मैं मजबूर हूँ, वरना मेरा अभी बस चले, मेरा अभी बन पड़े तो मैं अभी मुंह तोड़ जवाब देकर इनका मुंह नोच लूँ। बट वही वाली बात होती है कि जो सियासत होती है ना, उसमें आप गरेबान पकड़ के किसी का कह नहीं सकते कि तुमने ये किया है, क्योंकि वो सियासत होती है। तो मैंने आपको ट्रेड्स बता दी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी वेल्दी, काफ़ी डैडी कार्ड है ये। फाइनेंसर हो सकते हैं, आपके बिजनेस के इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके फाइनेंस
मैनेज करने वाले हो सकते हैं, आपके लिटरली ये बॉस हो सकते हैं, और इनकी हरकतें बॉस बॉसीपन दिखाने की हैं। बॉसी एटीट्यूड इनका है कि ये आपके सामने इतने एटीट्यूड में रहते होंगे कि इनको ये लगे कि जैसे मुझसे सीखो कि बॉस क्या होते हैं, और पब्लिकली ये शो करना आई एम योर मेंटर, आई एम योर लीडर। तो वो चीज़ जो है वो आपको इनकी खुद की पर्सनल लाइफ के भी ना, खुद के अपने भी अकेलेपन के ट्रॉमा हैं, क्योंकि ये जितनी खुन्नस अपनी पर्सनल लाइफ की है वो ये आपके ऊपर थोप कर ना, जैसे सास पे रख के बहू को सुनाने वाली बात होती है और बहू पे रख के सास को सुनाने वाली बातें होती हैं, ये वो गेम करते हैं। और उन्होंने ये कहा, उनका हमारा एक तरफ जाना हुआ उनको, और फिर उनको ये उनका या इनकी ये जो है ना, ये सब नाम लेकर असल में डायरेक्ट टारगेट आप ही होते हैं। और बुरे बुरे से एक्सपीरियंस आपके सामने कोट करना, पहले से आपको एंजाइटी देना, ये पॉलिटिक्स का इनकी पार्ट है। अब ये कौन करता है आप देखिए, ये घर पर कोई करता है या कोई काम की जगह पर करता है। अगर तो आपको इनकी पर्सनल लाइफ का पता चल जाए तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इनका खुद का पर्सनालिटी ट्रॉमा है कि इनके साथ कोई भी नहीं रुकता, और उस फ्रस्ट्रेशन को ये आपके ऊपर निकालते हैं, आप समझ नहीं पाते, और फिर आपको लगता है कि पता नहीं इनको मुझसे क्या अल्लाह वास्ते का बैर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स का ऐसे लोगों की एनर्जी है जो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन यकीनन है जो ये हरकतें कर रहा है। लेट्स सी मोर, हु इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ यू, कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए जनाब। ओके लेट्स सी मोर, द हैंगमैन, इसके अपने ही कुछ ट्रॉमाज हैं, ये खुद इस वक्त अटका हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्चुअली अब मुझे क्लियर हो रहा है, एक कार्ड में और ले लूं। दरअसल इस पर्सन ने आपको चूज किया हुआ है कि आप फ्रंट फुट पे फेस शीट पे रहें, लेकिन ये कभी भी आपको अपनी जगह पर बैठने नहीं देगा। यकीनन ये आपकी अथॉरिटी फिगर हैं, द टावर। अभी रिसेंटली आपके कोई रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, या तो ये पर्सन आपसे कमिंग डेज में कोई फड्डा करने वाला है, कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेट मी सी ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों है। द शैरी, ओ माय गॉड, सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो इतनी अथॉरिटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आप तो बड़े बुरे चुंगल में फंसे हुए हैं। अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग आपको कभी भी बड़ा नहीं बनने देंगे, चाहे आप 50-70 साल के भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनकी छतर छाया में, उनकी हयाती में और उनके साये में आप कितने ही तजुर्बेकार क्यों ना हो जाएं, ये आपको फील कराते रहेंगे कि तुम बिल्कुल निल बटा सिफर हो। ये आप जहन में रख लें, क्योंकि जब तक ये मौजूद हैं तो नाम और माला इन्हीं की जपी जाए। ये टावर कार्ड इन्होंने, ये खुद बैक पर हैं, लेकिन उन्होंने आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस कुड बी अ ग्रुप ऑफ 3 to 5 पीपल, 3 to 5 मैस्कुलिन एनर्जी, या फिर आपको कोई अथॉरिटी मिली हुई है, आप खुद एक सीट पर हैं, एक पोजीशन पर हैं, और ये सब मिलकर आपके साथ तांडव करते रहते हैं, आपको अथॉरिटी देकर आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो आपसे ली हुई है, हमारे मुताबिक करो, हमारे लिए चलो, हम जो कहें वही करो, बगैर हमसे डिस्कस किए कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना करना, वो ना करना, फला ना होना, ढमक ना होना, इतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को इन्होंने शेक किया हुआ है कि आप बिला वजह में अननेसेसरीली बहुत से ऐसे लोगों के साथ फाइट कर लेते हैं जिनका तुक भी नहीं बनता, क्योंकि आप इनके पॉलिटिक्स का कार्ड बन चुके होते हैं। ये इनकी लाइफ में खुद इनके साथ कोई करता है सुपीरियर, ये वहाँ से अपनी फ्रस्ट्रेशन लेकर आते, उन्होंने इनके साथ जैसे डीलिंग की होती है ये वो तमाम चीज़ें समझ के डॉट्स को ज्वाइन करके पहले सिचुएशन को पॉज देते हैं, फिर ये आपके सामने पूरी वॉमिट कर देते हैं कि देखो ये होता है परफेक्ट काम, और फिर आपको दो चार बातें भी ये सुना देते होंगे और आपको लगता होगा कि यार अबे भाई मैंने किया है, और देन दे मेक यू फील कि नहीं भाई यू आर द वन, आप तो बहुत ही आला हैं, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। विद द चैरियट कार्ड, ये लीडर्स हो सकते हैं, ये सुपरवाइजर्स हो सकते हैं,
ये ब्रांच मैनेजर्स हो सकते हैं, एरिया मैनेजर्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करते होंगे, गाड़ी ड्राइव कर करके आपके पास आते होंगे, इनको पेट्स का भी बड़ा शौक होगा और बहुत शोशा और बड़ा अपने आप को शो ऑफ करते होंगे, कहीं पर भी इनकी लड़ाई होती होगी ना तो ये फ़ौरन आपके पास आ जाते होंगे और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करके निकालते होंगे और आप सर खुजाते रह जाते होंगे कि मैंने किया क्या था, ये इसका दिमाग क्यों फिरा हुआ था। लेकिन मुझे ये रीड करते करते ऐसा लग रहा है कि विद द हैंगमैन आपने इनको रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया है, आपको पता चल जाता अब ये आए तो मतलब ये नहीं आए, मुसीबत आई है तो आपको समझ में आ तो जाता होगा, लेकिन आप शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये पॉलिटिक्स है, फ्रस्ट्रेशन है, नफ़रत है, जेलसी है, मतलब खुदा तरसी है, हमदर्दी है, नेक नियति है, क्या है। लेकिन एक्चुअली ये है कि टू मैनी हेड्स स्पॉइल द केक। जब इतने सारे लोग मिलकर कुछ काम चला रहे होते हैं ना, चाहे वो घर हो, चाहे कारोबार या नौकरी, तो वहाँ ऐसा ही तांडव होता है, हर कोई एक दूसरे पे तू मेरे पे तो मेरे पे, और कोई ब्लेम लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन चल ब्लेम ग्रेम ही रहा होता है। नाउ वेरी क्विकली, ये क्यों कर रहे हैं, वाई डू दे प्ले पॉलिटिक्स अगेंस्ट यू, ये आपके साथ पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आप इनके इक्विलेंट हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, और ये समझते हैं कि जर्नी ऐसे ही होती है, जलील कर कर के ही किसी को अथॉरिटी पर रखा जाता है, और आप बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं, आप दिखने में काम में अपने 100% हैं, और अब आप इनकी ज़बान में इन्हीं की तरह बोलने लगे तो अब ये इनका सियासत के दाव पे जो है वो बढ़ने लगे। ये क्यों आपके साथ ये कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अब उस जगह पर आ चुके हैं कि अब अगर आपने मूव ऑन किया तो आप इससे किसी बेटर जगह पे ही जाएंगे, तो ये सियासत कर करके आपको ये शो कर रहे हैं कि जब तक आप हमारे साथ हो ना तब तक आप में ये कमियां हैं। आपने एक दिन डिसाइड किया कि ठीक है भाई मुझ में तो कमियां थी, आप ही लोग तो कहते थे मुझ में कमियां हैं, मैं चला या मैं चली, क्योंकि मुझे लगता है बस मेरा इतना ही था, तो अब मैं कहीं आगे जाकर ही अपनी बेकार सलाहियतों को जो है वो शोकेस करूं। ये क्यों आपके साथ कर रहे हैं। जस्टिस, इनको एक अच्छा लिसनर चाहिए, और आप ये दो लोग देख रहे हैं आप जो कुत्तों की तरह लड़ रहा हो बीच में, आप बैठ के सबकी सुन लें, इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए, और आप इनकी इस डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट हैं, ये फिर आपको उस डर्टी पॉलिटिक्स के सामने कर देते हैं कि आप जो हैं वो तमाम मैटर्स डील करें। फैसला आपने करना है। फाइव ऑफ कप्स, इनके अपने हैं ट्रॉमास, बिल्कुल हैं, मैं आपको फॉर श्योर बता दूं, और आजकल तो इनका कोई रिसेंटली कुछ इनका बड़ा बिग ट्रॉमा हुआ हुआ है, इनको बहुत ही इमोशनल लॉस फील हो रहा है, इनको लग रहा है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इन्होंने अभी तक कंट्रोल छोड़ा नहीं है ना अपने पास से, उसकी वजह से ये आपकी पोटेंशियल्स को कभी भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, इनको कभी भी नहीं लगेगा कि आप आज परफेक्ट हो गए हैं। हो सकता है ये वाकई आपकी बेहतरी के लिए भी हो, लेकिन ये इनकी खुद की जो है ना वो इनकंसिस्टेंसी है कि ये अपने हाथ से कंट्रोल जाने ही नहीं देना चाहते, इनको लगता है कि बस परफेक्ट, देखें अल्लाह की ज़ात है, अगर कोई इंसान अपने आप को परफेक्शनिज्म पे ले आए तो फिर वो इसी तरह फ्रस्ट्रेट होकर पॉलिटिक्स करता है जैसे आपके साथ ये लोग कर रहे हैं। तो बेहतर से हर वक्त आपके सामने बेहतरीन लोगों को कोट करना, आपको फील करवाना कि यू आर नथिंग दे आर एवरीथिंग, तो उससे क्या होता है, इंसान की सामने वाले की इज्जत घटती है, और यही शायद है आपके साथ, शायद ये सब कुछ हो रहा होगा, और क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इक्विलेंट हैं, अपने आप को कभी भी लेट डाउन फील ना करें, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं, आपकी लक आपके साथ है, और जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसके मुकद्दर में अल्लाह ज़िल्लत लिख देता है वो ता क़यामत तक जलील होता रहेगा। तो बंदों के हाथ में सियासत ज़रूर है, मुकद्दर कोई किसी का नहीं बदल सकता। ठीक है, तो अच्छी बात है आपको पता चल गया, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप बस सेफ प्ले करें, खामोशी से सुनते रहें, सुनो सबकी, करो वही जो दिल बोले। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।